अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज 29 अप्रैल 2021 आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हेडमराला न्यूज़। तहरीक लब्बैक ने पाबंदी के खिलाफ हुकूमत को अपील कर दी। ज़राए के मुताबिक तहरीक लब्बैक की जानिब से सेक्रेटरी दाखला को दरख्वास्त दी गई कि जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तहरीक लब्बैक दहशतगर्दी तंजीम नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड सियासी जमात है। इसके अलावा दरख्वास्त में कहा गया कि तहरीक लब्बैक पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम गलत है, लिहाजा दरख्वास्त पर अमल करते हुए इस पर आयद पाबंदी ख़त्म की जाए। ज़राए का कहना है कि तहरीक लब्बैक की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखला यूसुफ नसीम खोखर ने कल इजलास तलब कर लिया, जिसमें वजारत दाखला, वजारत कानून और पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे भी शरीक होंगे और इजलास में दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। ज़राए का बताना है कि तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की तजवीज़ सिर्फ पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस और CTD की जानिब से दी गई थी। वाजिया रहे कि मुल्क में हालिया एहतजाज और धरनों के बाद हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी आयद करके इसे कालादम करार दिया था।